देखो आज जो ठड़की लोग है ना वो बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। सोच रहे होगा कि एग्जाम में पास होना है इसलिए नहीं, बवाल लेवल का माल आया है इसलिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल की देर। देखो भाई अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर आज एक खतरनाक तड़कती भड़कती सीरीज रिलीज की गई है, नाम है ऑब्सेशन। पूरी सीरीज को भाई एक साइड रखो, इसमें जो एक्ट्रेस देखने को मिली है उसको देख करके मैं बस नहीं बोलूंगा, ऐसे में बड़ा सख्त लौट आऊ लेकिन यार यहाँ में पिघल। बाकी भाई सीरीज को देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसके सीजन में आपको केवल 4 ही एपिसोड देखने हैं, मींस लिमिटेड सीरीज है। बहुत ज्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। और भाई जो अपना नेटफ्लिक्स वो ठरकी सब्सक्राइबर का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है इसलिए इस सीरीज को भाई मल्टीपल लैंग्वेज में उसने डब करके रिलीज कराया है। मतलब समझ रहे हो, अगर कोई बाहरी अच्छी वेब सीरीज या मूवी आए वो भले ही आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलेगी लेकिन तुमको ये सीरीज देखने को मिल जाती है। भाई फैमिली के साथ इसको बिल्कुल भी मत देना क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे एडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे, नॉर्मल न्यूडिटी वगैरह भी देखने को मिलेगी। अब भाई सबसे तगड़ी बात करते हैं इसकी कहानी की जो कि लिटरली में बहुत ज्यादा सतरंगी अतरंगी है। जिसने भी इस कहानी को सोचा और लिखा है भाई उसको मेरी तरफ से 21 तोपों की सलाम। भाई कहानी ऐसी है कि एक फैमिली है जहां पर जो सारी चीजें हैं आपको जय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलती हैं। मींस उस फैमिली में जय का फादर है, उसकी मदर है, उसकी सिस्टर है, जय या जय जो भी बोल लो, उसको एक लड़की से प्यार है, उसे शादी करना चाहता है, नाम है एना। लेकिन भाई जो एना है वो नॉर्मल लड़की नहीं है, वो कांडी लड़की है जिसकी वजह से उसका जो अफेयर है उसके फादर मतलब जय के फादर से हो जाता है। अब एना ऐसी क्यों है और उसका एक थोड़ा सा पास्ट भी आपको देखने को मिलेगा, वो भी थोड़ा सा अलग लेवल का है, देखना तो पता चलेगा। भाई एक्चुअली में अब सीन ऐसा चल रहा है कि जो एना है वो जय के साथ भी सो रही है और उसके फादर के साथ भी सो रही है, मतलब उसको दोनों तरफ से मजा मिल रहा है। समझ किसने सोचा इस कहानी को। और भाई यही सब ठुकम ठुकाई देखते देखते चौथा एपिसोड आ जाएगा, तो चौथे एपिसोड में क्या होगा उस चीज को जानने के लिए आपको इस ऑब्सेशन को देखना पड़ेगा। सीरीज के माल को अगर मैं सिंपली मेरे भाई अगर आपके लिए डिफाइन करूं तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि ये सीरीज भाई बहुत 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 ज्यादा चूतिया सीरीज है। मतलब भाई सीरीज की जो राइटिंग वो इतनी ज्यादा सिली है कि मतलब आप देख के सोचोगे कि मैं देख क्या रहा हूँ। कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं, जो चीजें चल रही होंगी सीरीज के चारों एपिसोड में वो आपको पता रहेगा, एंड रिजल्ट क्या है वो भी आपको पता रहेगा। इवन मैं से बोलूं कि इसकी बीट्स को आप प्रेडिक्ट कर लोगे। अच्छी चीज वही है कि भाई इसमें जो एडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे वो जो अपनी ठरकी ऑडियंस है उनको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं, जो ठुकम ठुकाई वाले सीन है उनको थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट किया गया तो उसको देख करके आप एंजॉय मार सकते हो। प्लस सीरीज के ड्रामा में भाई थोड़ा सा थ्रिल और टेंशन का फ्लेवर डाला गया है तो वो कहीं कहीं पर काम करता है जो कि आपको इंगेज करा के रखेगा। एक चीज और सीरीज में भाई जो जय के साथ चीजें होती रहती हैं, मतलब जो उसको एक इनोसेंट वाला दिखाया गया कि भाई उसको कुछ भी नहीं पता, तो वो जो चीज होती है आपको फील जरूर होगी। बाकी वही भाई विलियम के कैरेक्टर को देख करके आपको एक ठरकी वाले बाप की पूरी वाइब आएगी, तो एक बार माइंड में आएगा कि अपनी गर्लफ्रेंड को मतलब नहीं दिखाना पापा लोगों को, तो जो वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो थोड़ा सा सिली भी लगेंगी, आप उसके साथ इंगेज भी रहोगे, थोड़ा बहुत एंजॉय करोगे क्योंकि उसमें आपको जो सेक्स सीन्स वगैरह देखने को मिलेंगे वो आपको डिसेंटली इसके साथ इंगेज करके रखेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं अपनी बातों को कंक्लूड करूं और राइटिंग के पॉइंट अब इसे इस के बारे में सोचो तो भाई ये सीरीज बहुत ज्यादा सिली है, मतलब इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है कि आप पूरा सब कुछ जज कर लोगे कि होगा क्या। लेकिन भाई जिस सीरीज में आपको बीच बीच में एडल्ट सीन्स देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं आपको इसके साथ डिसेंटली एंगेज करके रखेंगे और जानने के लिए भी आप एक्साइटेड रहोगे कि चौथे एपिसोड में एक्चुअली में होगा क्या, तो वो जो एंगेजमेंट है कहीं ना कहीं काम कर गई है। और बस मैं इन्हीं साइजों को ध्यान रखते हुए इस इरोटिक थ्रिलर ड्रामा को मैं ओवरऑल जज करते रेट करूंगा 6/10 स्टार। तो अगर आपने इसको देख लिया है तो कल मतलब कि आपको कैसी लगी वीडियो, चलेगी तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इस वीडियो देखने के लिए मैं फिर से मिलता हूं नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय।